फोटो कॉपी को पेस्ट करना सीखेंगे बिना किसी एडिटिंग का, ठीक है ना। तो जैसे कि ये दोनों फोटो देख सकते हैं कि लगभग क्या है, पूरा सेम ही है। अगर आपका फोटो लगभग सेम ही है, ठीक है ना, वही आपको कैसे एडिट करना है। अगर एक फोटो आपने एडिट कर लिया, फिर आपको ये भी करना है। जैसे कि दोनों सेम ही फोटो है, सेम अलग अलग मैंने क्लिक किया है, लेकिन सेम ही फोटो निकल के आया है। अगर थोड़ा सा एंगल वगैरह चेंज है तब भी आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बिना एडिट किए भी आप एडिट कर सकते हैं इस फोटो को। तो सबसे पहले आपको एडिट कर लेना है पहला वाला फोटो को। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं, अगर मेरे वीडियो देखते हैं आपको पता होगा, मैं हाईलाइट्स कम, वाइट्स कम, शेडोज़ को थोड़ा बढ़ा कर ब्लैक्स को थोड़ा देखते हैं बिफोर आफ्टर अंतर कितना आ चुका है। कंट्रास्ट को इधर बड़ा कम करते हैं, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा लेते हैं। कलर वाला बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे इफेक्ट में, क्लैरिटी टेक्सचर बढ़ा लेंगे। इस टाइप का फोटो में थोड़ा ऐसा लुक अच्छा लगता है। डीएस को भी थोड़ा बढ़ के, यहाँ पर डीएस को बढ़ाते ही देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद में थोड़ा विग्नेट को नहीं रहने देते हैं। उसके बाद में जाते हैं कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर मिक्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर बहुत सारा कलर है। मैंने इन सभी चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप चैनल पर विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेड कलर में जाएंगे, यहाँ पर जो से रेड है सेचुरेशन कम ज़्यादा करने से वहीं का कलर चेंज होगा। लाइटनिंग ये नीचे ल्यूमिनेंस करने से वहाँ का लाइटनिंग कंट्रोल होगा, और ह्यू चेंज करने से उसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा ऑपोजिट कलर चल जाएगा, ठीक है। तो ये रह के सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये एक्चुअली स्काई कलर के लिए जिस कलर पर भी मैं सिल गया हूँ उसमें जाना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है, ल्यूमिनेंस को कम कर देना है, हुई को आप इस टील ऑरेंज टी सॉरी टील कलर पर डाल देते हैं, यहाँ पर अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है ना, ये सब कलर इसको भी थोड़ा कर देंगे ताकि यहाँ दोनों बैलेंस हो जाए। हमेशा कलर को बैलेंस एंड अपोजिट करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हमारा स्काई पार्ट भी एडिट हो चुका है, जैसे कि नॉर्मल हम लोगों ने फोटो एडिट कर लिया है, ठीक है। तो अब ये फोटो को चलिए अब फिर से ये सही फोटो फिर से इसको एडिट करना पड़ेगा। तो अब मन नहीं करता बार बार एक ही चीज़ को एडिट करने में। तो यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर हमारा भी फोटो लोड हो रहा है, लोड हो जाए लोड हो गया। यहाँ पर कॉपी सेटिंग लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक मार देंगे, ठीक है। सेटिंग कॉपीड हो गया, नेक्स्ट फोटो पे जाएंगे, सेम फोटो लोड होगा, हो जाने के बाद डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेस्ट सेटिंग आएगा, पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस फोटो में जो भी चीज़ अप्लाई किया था, यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई हो चुका है, ठीक है। और एक बार जैसे कि थ्री डॉट पे क्लिक किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग कॉपी सेटिंग पे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, ये सब ऑप्शन तो रहेगा ही। अगर आपने प्रीमियम लिया तो आपका ज्योमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉप हील मास्किंग, अगर आप फोटो क्रॉप क्या आप कोई सेम क्रॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए है। हील तो प्रीमियम में ही यूज होता है। अब मास्किंग मतलब वो जो मास्किंग होता है फोटो का, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो वो सिलेक्ट मान लीजिए डिटेल मान के चलिए, ठीक है, एरिया सिलेक्ट वैसे ही सेम करना है कि नहीं, इसे टिक मारना है या नहीं मारना वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। एक इस जो भी मैं जो कलर पे ऑरेंज में गया हूँ, इसे को मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो हम लोग का एडिट हो गया है, देखिए पूरा सेम उसी के जैसा, बस लोग टाइम ले लेता है, उसी के जैसा फोटो एडिट हो गया है, मस्त एकदम, बार बार लोड ही लेता रहता है ना। उसके बाद ये भी जैसा फोटो है, ये भी फोटो उसी तरीके का है। तो अगर मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, मान लीजिए कि सोशली रीसेट करते सबसे पहले और एडजस्टमेंट। अब हम लोग क्या करना है, जैसे ये भी फोटो वैसा ही है तो ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, पेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो चुका हमारा फोटो एडिट, ठीक है ना। जैसे कि लाइटनिंग का हम लोग का ऊपर वीडियो बना है, इसके ऊपर हम लोग का वीडियो बना हुआ है, एच एस एल टूल के ऊपर वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना। इफेक्ट्स का ऊपर अभी हम लोग का आगे वीडियो बनेगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे टूल है जिसके ऊपर हम लोग का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। मास्किंग के बारे में भी हम लोगों ने बताया हुआ है कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आज जान लेते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिक्स यहाँ पर रिमूव क्रोमेटिक एब्रप्शन, जैसे कि जूम जूम, जैसे कि इसका जो कॉर्नर्स है वहाँ पर ना, जैसे कि पुराना देखिए, हाँ जैसे कि गेट है इसका कॉर्नर्स में देखिए ब्लू ब्लू एक लाइन है, ये क्या हो रहता है ना, ये तो रिफ्लेक्शन से आ गया है। लेकिन कोई कैमरा में रहता है ना, ये अगर आपका लेंस ओल्ड लेंस है और कैमरा है आपका, ठीक है ना, डी एस एल आर कोई भी कैमरा है, तो अगर उसका लेंस पुराना है तो उससे ना यहाँ पर एक एक ब्लू और एक मतलब हाँ रेड और ब्लू का एक साइड साइड में ना एक लेयर आ जाता है, ठीक है ना। रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन करने से वही हट जाता है। या अगर आपका फ़ोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर है तो उसे आप फोटो खींचिएगा तो देखिएगा वैसा ही आता है, ठीक है। तो इससे वो अप्लाई करने से वो हट जाता है।
और यहाँ पर इनेबल लेंस करेक्शन, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी फ़ोटो पूरा वैसा ही एडिट हो चुका है। तो मैंने जिस बात के बारे में बात किया था कि लास्ट में मैं बता दूंगा, तो चलिए बढ़ते हैं कुछ उस टाइप का ही फ़ोटो के ऊपर। देखिए ये मस्त लग रहा है ना फ़ोटो, इस फ़ोटो के बारे में मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले अपना फ़ोटो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो है, आप अगर आपको ह्यूमन को फेस का आपको ग्लोएंस बढ़ाना है, ग्लो बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप लोग चल जाना कलर वाला ऑप्शन पे, एचएसएल टूल में, या ऑरेंज कलर पे जाके आप लोगों को ल्यूमिनेंस को बढ़ाना है, या फेस का ग्लो बढ़ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फेस का ग्लो ऑलरेडी सही है, कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका कम है तो बढ़ा लीजिए। सैचुरेशन कम ज़्यादा करने से आपका फेस का जो सैचुरेशन है आपको पता ही होगा कम ज़्यादा होगा, फिर तो पूरा कलर ही चेंज हो जाएगा, बस आपको ये सब पता है। अगर आपको फेस में ग्लो चाहिए तो बस ल्यूमिनेंस बढ़ा दिए, आपका फेस में ऑलरेडी ग्लो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, तो जैसे कि ऐसा फोटो देख सकते हैं। इसके ऊपर एक मैंने टील और रनिंग्स का वीडियो डाला है, जाके जरूर चेकआउट करिए, ठीक है। ये फोटो कुछ ऐसा था, ये फोटो को मैंने ऐसा बना दिया है, ये रॉ फोटो है। रॉ फोटो कैसे क्लिक करें उसके ऊपर फिर वीडियो बना हुआ है, तो जाए चैनल पर और विजिट करें और मैं सारा वीडियो चेकआउट करें, लाइट रूम का है का द्वारा है बना हुआ है, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, असल के लिए ही चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।